चुनावी चंदे पर सीजेआई के खिलाफ हुआ बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन ने लिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 11 मार्च को चुनावी बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई थी। एसबीआई ने अदालत से चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स चुनाव आयोग को सौंपने के लिए और वक्त मांगा था। इस पर सीजेआई ने कहा था कि एसबीआई को पहले के आदेश के मुताबिक 12 मार्च की शाम तक चुनाव आयोग को डेटा सौंपना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां निर्वाचन आयोग को सौंप दी हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी बड़ा कदम उठाया। संगठन की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस फैसले पर रोक के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की गई। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, क्या आप चुनावी बॉन्ड मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ का समर्थन करते हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को पत्र में क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदि सी अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और मामले की दोबारा सुनवाई होने तक फैसले को रोकें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद को इस पत्र से अलग कर दिया है, साथ ही इस पत्र की निंदा भी की है। एसबीआई की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को ऐसा कोई भी पत्र लिखने का अधिकार नहीं दिया है। यह पत्र ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर लिखा गया और आदिश अग्रवाल ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिखा। एसबीआई की कार्यकारी समिति आदिश अग्रवाल के इस कदम और पत्र की सामग्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को कम करने के प्रयास के तौर पर देखती है और स्पष्ट तौर पर इसकी निंदा करती है। आदिश अग्रवाल ने क्या क्या लिखा था? इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र करते हुए आदिश अग्रवाल ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिसमें संवैधानिक गतिरोध पैदा हो, जिससे भारतीय संसद की महिमा और उसके सदस्यों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होती हो और राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा हो। अनुच्छेद 143 का जिक्र। एससीबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कॉर्पोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की थी। संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व और लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार देता है। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को लिखित में प्रश्न भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर उचित लगता है तो वो विचार करने के बाद अपना जवाब राष्ट्रपति को भेज सकता है।